क्या नॉनवेज खाने वालों के लिए मंकी पॉक्स का खतरा ज्यादा है? क्या आपको आपके घर के पालतू जानवर से भी मंकी पॉक्स हो सकता है? क्या आपके घर के आसपास के अस्पताल मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए तैयार हैं? आज इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब जान लेते हैं। मैं हूं ध्वनि शर्मा और आप देख रहे हैं NBT लाइव। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सवाल के, क्या नॉनवेज खाने से मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता है? जी हाँ, आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि अगर आप कच्चा मीट खाते हैं या फिर आप खराब मीट खाते हैं या पुराना कटा हुआ मीट खाते हैं तो उससे मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर नॉनवेज खाने से मंकी पॉक्स फैल रहा है तो क्या आपको घर के जानवरों से या आसपास घर के रहने वाले जानवरों से भी मंकी पॉक्स हो सकता है? तो आपको बता दें कि मंकी पॉक्स जैसे कि ह्यूमंस में फैल रहा है, स्किन टू स्किन ट्रांसफर हो सकता है, उसी तरह से अगर आपके घर के आसपास कोई इन्फेक्टेड जानवर है तो उससे भी मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा जानवर है जिसके शरीर पे आपको एक अलग से रैशेस दिख रहे हैं या फिर आपको आपके पालतू जानवर में भी रैशेस दिखते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब जरा चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्या आपके घर के आसपास के सारे हॉस्पिटल मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए रेडी हैं? आपको बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मंकी पॉक्स का एक स्पेशल वार्ड बना दिया गया है जहाँ पे मंकी पॉक्स के सारे ही मरीजों को एडमिट किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स का टेस्ट कैसे किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट की स्क्रीनिंग कराई जाती है जिसमें पता चलता है कि उनके शरीर पर कैसे रैशेस हैं। उसके बाद पेशेंट को एक वार्ड में ले जाया जाता है उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि पेशेंट के सर में दर्द है, बदन में दर्द है या उनकी बॉडी पर काफी ज्यादा रैशेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग वार्ड्स में रखा जाता है। उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसकी टेस्टिंग की जाती है और अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं तो पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया जाएगा। इस पूरे ट्रीटमेंट में करीब 25 से 30 दिन लग भी सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो आप उनकी अच्छे से देखरेख करें। कोशिश करें कि उनके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति ना आए जिसके शरीर पर रैशेज हैं, क्योंकि उनका इम्यून बहुत ही ज्यादा लो होगा, साथ ही वो जल्दी से इस इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने कपड़े, अपने तौलिया और साथ ही अपनी ऐसी चीजें जो सिर्फ आप ही छूते हैं उनको लोगों से अलग कर दें, क्योंकि ये इन्फेक्शन तेजी से लोगों में फैल सकता है। कोशिश करें कि आप अपने कपड़े खुद धो रहे हैं और अपने आप को क्वारंटीन कर लें। अपनी डाइट के अंदर आयरन रिच फूड आइटम्स ऐड करें सो दैट आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ सके। अपने हाथों को बार बार धोते रहें और अपने डॉक्टर से रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहें। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक बार होने के बाद वापस भी हो सकता है, तो अगर आपका दवाइयों का कोर्स एक बार खत्म हो जाए या आपका एक बार मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस मंकी पॉक्स नहीं हो सकता। इसलिए अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करके रखें और प्लस अपनी पर्सनल हाइजीन पर भी पूरा ध्यान दें। एक्सपर्ट्स का सिर्फ ये कहना है कि मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स से बहुत कम मौतें देखी गई हैं। ज्यादातर मंकी पॉक्स का इलाज आसानी से हो जाता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें। अपनी डाइट के अंदर आयरन रिच फूड आइटम्स ऐड करें जो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा, जैसे कि आप अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, केला ऐड कर सकते हैं, अंजीर ऐड कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी डाइट के अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप NBT लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मंकी पॉक्स से बचने के लिए कौन से टिप्स फॉलो कर रहे हैं।